हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में कवर करेंगे इंफोसिस के सिस्टम इंजीनियर के बारे में। और इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंफोसिस की ट्रेनिंग्स के बारे में, ट्रेनिंग्स के बाद बात करेंगे हम बेंच पीरियड की, बेंच पीरियड के बाद बात करेंगे हम प्रोजेक्ट्स की, और प्रोजेक्ट्स के बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, और उसके बाद वर्क लाइफ, सैलरी हाइक्स और वर्क कल्चर, इस पूरे की बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जब आपका इन्फोसिस में सिलेक्शन हो जाता है एज अ सिस्टम इंजीनियर, जो कि आपकी फ्रेशर लेवल की पोस्ट है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले आपकी होती है ट्रेनिंग्स। अब ट्रेनिंग्स कैसी होती हैं और क्या टेक्नोलॉजीज होती है उनके बारे में बात करते हैं। जो आपकी फर्स्ट 2 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है जनरली, वो होती है आपकी जेनरिक ट्रेनिंग। अब उस जेनरिक ट्रेनिंग क्या होती है, मतलब ये ट्रेनिंग सबको ही मिलेगी, उसमें आपका डोमेन मैटर नहीं करता, आप कोई भी डोमेन मिले, ये एक जेनरिक ट्रेनिंग है, ये सबको ही मिलती है। उसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है HTML, CSS, C, Java, DBMS, इस टाइप की कुछ टेक्नोलॉजीज पढ़ाई जाती हैं आपको जेनरिक ट्रेनिंग में। आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ाई जाती है इसमें, और इसका जो कट ऑफ होता है लगभग 60-65% का होता है, जो आपको पास करना होता है। 3 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं और आप इसको आसानी से पास कर सकते हो, ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होती है। और ट्रेनिंग्स आर फन। अगर आप ऑफलाइन ट्रेनिंग्स अगर आपको करने का मौका मिलता है, जो कि इन्फोसिस मैसूर में होती है, वो बहुत ही शानदार होती है। ऑनलाइन में आपको इतना मज़ा नहीं आएगा वर्चुअल में, लेकिन आफ्टर कोविड तो ये कुछ ऐसा ही हो गया है। तो लेकिन जो ऑफलाइन ट्रेनिंग्स हैं इन्फोसिस की, दे आर रियली ग्रेट, ओके, और वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी इन द इंडिया में बोल सकता हूँ। तो ये बात हो गई शुरू की 2 महीने की जेनरिक ट्रेनिंग की। उसके बाद हो सकता है आपका कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेनिंग हो या फिर असेसमेंट हो, वो इतना मतलब मैंडेटरी वाली फील्ड नहीं है। फिर आती है आपकी स्ट्रीम बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है, जो 2 से 3 महीने तक की चल सकती है। अब क्या होता है, जेनरिक ट्रेनिंग के बाद आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम दी जाएगी कि आप किस में जा रहे हो। जैसे कि इसमें चलता है, जैसे आपका मेन फ्रेम फ्रेमवर्क्स हो गए, SQL हो गया, .NET हो गया और SAP हो गया, ये इसके काफ़ी अलग अलग प्रकार के डोमेन्स हैं जो इन्फोसिस में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी में भी आपको एक डोमेन दिया जाएगा और उस पर स्पेसिफिक आपकी 2-3 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, जिसको मैं स्ट्रीम बेस्ड ट्रेनिंग बोलता हूँ, जो 2-3 मंथ्स की होगी जेनरिक के बाद, राइट। फिर उसमें भी आपके असेसमेंट्स होते हैं, असेसमेंट्स, वाइवा, प्रेजेंटेशन, सब कुछ होता है, वो भी आपको देने पड़ते हैं, राइट। उनका भी स्कोर ऐसी 60-65% होता है, एंड मतलब वो केवल इसके लिए हैं जैसे आप ट्रेनिंग्स को पढ़ो अच्छे से, वो आपको पढ़ना भी चाहिए वरना काम कैसे करोगे कंपनी में, राइट। तो इस टाइप की आपकी कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं, एंड ट्रेनिंग्स आर रियली ग्रेट इन इन्फोसिस। तो ये हो गया हमारी पूरी ट्रेनिंग की बात। अब ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, इन्फोसिस में आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन का टाइम आता है। लेकिन होता क्या है, इन्फोसिस पर रिसोर्स काफ़ी सारे हैं, तो जनरली आपको 2-3 महीने या 4 महीने तो बेंच पे बैठना ही पड़ता है, जनरल केस में मैं बात कर रहा हूँ। तो 2-3 महीने आपको लग जाते हैं प्रोजेक्ट एलोकेट होने में, और जब आपको एक बार प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है तो फिर क्या होता है उसकी मैं ज़रा बात करता हूँ। तो प्रोजेक्ट में जनरली क्या होता है, आपके 3 टाइप के इसमें वर्क हैं, 3 टाइप का वर्क इन्फोसिस में होता है। फर्स्ट मैं कहूँगा जो सबसे ज़्यादा होता है वो है सपोर्ट, सेकंड मैं कहूँगा डेवलपमेंट, और थर्ड मैं जो आपको कहूँगा वो है टेस्टिंग। एज अ सिस्टम इंजीनियर इन ये बेसिकली 3 पेरेंटल डोमेन है, पेरेंट्स हैं तीनों, सपोर्ट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग। तीनों में से आपको किसी में भी डाला जा सकता है एज अ सिस्टम इंजीनियर, कुछ भी मिल सकता है आपको। सपोर्ट मिलेगा, आप बग्स वगैरह फिक्स कर रहे होगे, टिकट रिजॉल्व कर रहे होगे, और बेसिकली डेवलपमेंट टीम को सपोर्ट कर रहे होगे प्रोजेक्ट क्रिएशन के लिए। वो ज़्यादातर 60% लोगों को सपोर्ट के ही प्रोजेक्ट मिलते हैं इन्फोसिस में, ठीक है। अगर आपको डेवलपमेंट मिल गया, यू आर वेरी लकी, सीधे आप लाइव कोडिंग कर रहे होगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद, डॉक्यूमेंटेशन के बाद लाइव कोड इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट पे आप कर रहे होगे, फिर यूनिट टेस्टिंग कर रहे होगे। अगर आपको डेवलपमेंट मिल गया सो यू आर वेरी लकी, क्योंकि आप ऐसा समझो कि आप 5% लोगों में जिनको डेवलपमेंट मिलता है, और बाकी बचे लोगों को मिलता है टेस्टिंग या मेंटेनेंस वाला काम, जिसमें आप टेस्टिंग कर रहे होते हो कोड्स की। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मिलने के चांस थोड़े कम होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्क बेकार है, डेवलपमेंट ही अच्छा है, ऐसा नहीं है, सारे वर्क अच्छे हैं इन्फोसिस में। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप की एज अ फ्रेशर जर्नी चालू हो रही है तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, तो उसमें आपको ऐसा ज़्यादा इशू नहीं लेना मुझे डेवलपमेंट मिला या मुझे सपोर्ट मिला है, जो भी मिले एक्सेप्ट कर लो, सीखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं तो ओनली थ्योरी मिलती है, यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। ये हो गई प्रोजेक्ट की बात। प्रोजेक्ट के बाद मैंने बात की थी कि मैं आपसे बात करूंगा ज़रा मैनेजमेंट की, वो मैं कहना चाहता हूँ इन्फोसिस में एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा अच्छा नहीं मिल पाता। कैसे नहीं मिल पाता, जो मैनेजर्स हो गए या सीनियर मैनेजर्स हो गए, जनरली लोगों का जो मैंने रिव्यू लिया है वो यही है
कि उनका केवल एक चीज़ रहती है कि जल्दी से जल्दी बिलेबल क्लाइंट के प्रोजेक्ट को डिलीवरी दी जाए। ज़्यादातर कंपनियों का यही होता है, लेकिन इन्फोसिस में थोड़ा ज़्यादा ही है। तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा इनोवेशन नहीं देखा जाएगा, आप बस क्लाइंट स्पेसिफिक, आपको बस वो काम करके देना है। आपने दे दिया, अच्छी बात है, नहीं दिया बुरी बात है, मतलब ये चलता है। एंड अपर मैनेजमेंट उतना सपोर्टिव नहीं है एम्प्लॉयज़ को लेके, वो क्लाइंट की ज़्यादा सुनते हैं। ओके, तो ये एक नेगेटिव फीडबैक था अपर मैनेजमेंट के लिए, जो ज़्यादातर लोगों से मैंने जो मुझे सुनने को मिला। ओके, सो ये बात हो गई अपर मैनेजमेंट की। और इसके बाद आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर कर ही ली हैं, और अब इसका सेकेंड पार्ट में मैं इसका वर्क लाइफ बैलेंस वगैरह, सैलरी हाइक्स और ओवरऑल एक ओपिनियन मैं आपको दे दूंगा कि अगर आपको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिल सकती हैं। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, और सेकंड पार्ट में बता दूंगा आपको और चीज़ों के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच।